ये देखो आज अलीम भाई के उम्र में कोई लगे अरे करे कखन पे कितना सारा खून निकल रहा है ये देखो इनको और कोई आ बार हो गई ना खून से फट गया ये बैंडर नहीं भाई लगा है खून निकल गया मजाक नहीं डाल लगा था अरे पूरा आर पार जम के थोड़ा जम के ताकत लगा पटुकेर के लिए बैंडर लगा रे जरा ताकत अरे भाई का है ये ताकत लगा मुझे आप बहुत डर रखा मुझे उंगली और कोई पार हो गए चल अरे वो खून उन यार खून उन लग गया थोड़ा पापा करा है साल अबे दुखे का बहुत को टेल में नाला दे रहा चलो चलो काम पे टूटी नहीं है सुई ये धागे में खून लग गया देख रहा है ये कारीगरों के साथ ऐसा अक्सर होते रहता है जैसे जंग में तलवार चलाते हैं तो तलवार तो लगती है इसी तरीके से जब सिलाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत सुई तो लगेगी अरे वो नमक वाला बिस्किट एक बच्चों के लंच का टाइम हो गया और मेरे हाथ में जो है सुई लग गई थी तो बैंडेज लगाया हूँ और कपड़ा भी लेके जाना है वहीं धुलने में देना है रास्ते में लॉन्ड्री है वो जो धोती उनका घर है मतलब वहीं पे देना है तो कपड़ा भी लेके जाना है नहीं वाला है और एक जोड़ा कौन कहा था एक जोड़ा हमका हाँ कुल जो नहीं कुल रखा भी कहा था तैयार मत ऐसे रख दे यार ऐसे लगा जाना वो पेरिस करी रखा बटा नईम भाई भी एक जोड़ा इसी के अंदर डाल दिए ले जा रहे नईम भाई का भी मास्क पोस्ट अनिवार कहते हैं जोड़ लगा हुआ अगोल है लगोल है थोड़ा चलो ना भाई बैठा सर का यार थोड़ा ये चलो अरे महताब भाई कहीं कहा न्यूज बता दे रहे कहाँ जो ना है चाइना वाला प्रेसिडेंट कहाँ बाटे हमें इंडिया वाला न्यूज चैनल से मालूम पड़ा हमारे की कोरोना बाटे अब कहा जाए मजाक करते रहे सारे उन्होंने जो बोलते रहे कि सही माए बती घर और बनाओ थे ना सही है यार शुरू करा उतारना है गोल और अट्टी पट्टी छटक जाएगा चल की नमाज पढ़ के वापस आ गए अब जा रहे खाना खाने और उंगली में जो चोट लगी थी वो वजू बनाते टाइम जो है धोना पड़ा वो तो निकाल नहीं था तो निकाल दिया खून उन भी बंद हो गया अच्छी हो गई दर्द भी एकदम कम हो गया अब नईम भाई है नहीं अकेले खाना पड़ेगा हो रहे थे तो साथ में खाते थे जो सुई से चोट लग गई थी अभी दिख रहा है कितना ज़्यादा जो है पूरा नाखून फट गया ये देख रहे हो पूरा नाखून खराब हो गई ये उंगली का मैं और नईम भाई काम वाम पता के टेबल वेबल सब रख के काम पर 9 बजे बंद हो जाते हैं और मैं नईम भाई अभी जा रहे जो है इनके पहचान के सुल्तानपुर के हाफिज जी आए हैं मदरसिक चल रही है तो हम लोग जो है उन्हीं को छोड़ने मच्छी मार्केट जा रहे हैं सोनिक चाल में तो सोनिक चाल में मैं बैठा हूँ जरा फोन नंबर दो उसको बताया बात नौ सौ दस रुपये सब लिखा जाता है वहाँ जो मदरसे में सब रिकॉर्ड रहते हैं ना हाँ
स्कूल, इसलिए कभी मान लीजिए रुदात किसी से रुदात बन जाती है। हाँ। तो कभी मान लीजिए किसी से मिलना हुआ तो ये बता देता है, रिकॉर्ड रहता है, आदमी डायरेक्ट उसके पास जा सकते हैं। अभी हम लोग को जा रहे हैं मच्छी मार्केट, तो जिस भाई के पास जाना है उसके पास अभी सब फोन लगाएंगे, फोन लगा के फिर उसके पास जाएंगे। अभी हम तीनों जन जा रहे हैं यहाँ से, पैदल जाएंगे सोनिक चाल, सोनिक चाल से फिर जो है शटल पकड़ के फिर मच्छी मार्केट कलेंद्री मस्जिद। हाँ कलेंद्री मस्जिद नहीं, ये जो है अपनी मच्छी मार्केट और ये सामने जो है कलेंद्री मस्जिद। जिन भाई के पास लाए थे वो यही भाई हैं, अल्ताफ नाम है, इन भाई से मुलाकात हो गई। अब जल्दी यहाँ से जो है हम लोग निकलेंगे, क्या नहीं भाई, चल लेना फटाफट। हम लोग जो है हाफिज साहब को यहाँ कलेंद्री मस्जिद लाए, चाय साय पिए और जो है अब उनसे मुलाकात करवा दी। वो जा रहे हैं जहाँ उनको जाना था, अब हम लोग भी अब जा रहे कारखाने, खाना वाना खाएंगे मस्त, फिर क्या, फिर मोबाइल से एडिटिंग वोडिटिंग करके फिर वीडियो डालना है और क्या। चलिए फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जबरा यार हम लोग को तो रिक्शा नहीं मिल रही, और ऐसे काम नहीं रहता तो आगे बार बार पूछते रहते कहीं नहीं जाना रहता, अब जाना तो रिक्शा ही नहीं मिल रही है, पोपट हो गया हम लोग का तो।